दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट और मैं आपके साथ मुस्कान चौहान। बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ने खुद को प्रूव किया, जिसके बाद आपको बता दें कि कई एक्ट्रेसेस ने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब पाकर बॉलीवुड में एंट्री ली। और इसी के साथ आज आपको बताएंगे कि कैसे मानुषी चिल्लर, जी हाँ मानुषी चिल्लर, 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल करने के बाद अब बॉलीवुड में डेब्यू करती दिखाई देंगी। रिसेंटली एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसके बारे में आप सब तक खबर पहुंची गई होगी। आपको बता दें अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज चौहान में हमें दिखाई देंगी मानुषी चिल्लर अपना बॉलीवुड डेब्यू करते हुए, जिसमें उन्होंने एक राजकुमारी की भूमिका निभाई है। इतनी छोटी एज में मानुषी चिल्लर ने खुद को बड़े पैमाने पर प्रूव कर दिया है। इसी के साथ उनकी फैमिली भी उन पर बहुत ही गर्व महसूस करती है। इसी के साथ आपको बता दें कि मानुषी चिल्लर के जो फैंस हैं वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वही बात है ना कि मानुषी चिल्लर को जहां कोई नहीं जानता था, वहीं मिस वर्ल्ड के खिताब के बाद ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उन्हें अब जानता ना हो। और लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, स्पेशली उनके जो फैंस हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब पृथ्वीराज सिनेमा घरों में आए और वो जल्द से जल्द वहां पहुंचे सिर्फ और सिर्फ मानुषी की परफॉर्मेंस देखने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि खिलाड़ी कुमार, जी हाँ खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर के साथ मानुषी चिल्लर ने किस तरह से एक्टिंग का अपना जो करियर है वो शुरू किया और कितना वो अपने फैंस के दिलों पर राज कर पाती हैं। तो ऐसी ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।